हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड आई एम मनाली सिंह। आई एम गोइंग टू गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू गेट समवन ऑफ योर माइंड। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है एटीट्यूड अबाउट योर सेल्फ, आपकी एबिलिटीज़, आपकी स्किल्स, आपकी क्वालिटीज़ और जजमेंट्स के ऊपर आपका फीलिंग ऑफ ट्रस्ट कैसा है। सो काफ़ी लोग होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, काफ़ी लोगों का कम होता है। सो हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज कि किसी का कॉन्फिडेंस लेवल कम है अगर उन्हें कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम होता है, स्टेज फियर, सो मेनी अदर थिंग्स कैन कॉन्स्टिट्यूट इन लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफेक्टिव वेज दैट कुड हेल्प यू टू इंक्रीज एंड बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट इज गेट थिंग्स डन। फर्स्ट आप अपने गोल्स बनाइए, बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में ब्रेक करने के बाद में डे टू डे गोल्स को अकम्प्लिश कीजिए और ट्राई कीजिए कि आप अपने गोल्स को फुलफिल कर रहे हैं, अटेन कर रहे हैं, जिससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प होगी। सेकेंड इज़ मॉनिटर प्रोग्रेस। आप अपने बड़े टास्क को छोटे टास्क में करने के बाद, उनको कंप्लीट करने के बाद उनकी प्रोग्रेस चेक करिए कि आपने वो किस लेवल के कॉन्फिडेंस के साथ में किया है, और अगर आप प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं तो आप प्रोग्रेस बढ़ा भी सकते हैं। थर्ड इज़ डू द राइट थिंग। आई हैव सीन मैनी पीपल जो कि वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने जजमेंट्स और डिसीजन लेते हैं, अगर वो सही है और अगर वो आपको बेस्ट इंटरेस्ट में हेल्प कर रहा है तो वो डिसीजन लेते हैं, ना कि जो ईजियर वन हो। और हार्ड डिसीजंस होते हैं काफ़ी बार वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम डिसीजन ले, बट स्टिल इफ़ यू आर डूइंग इट, आपको लॉन्ग टर्म में वो सेटिस्फाइड रख सकता है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज रखता है। फोर्थ इज़ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ना ही सिर्फ आपकी फिजिक को ठीक रखता है, आपकी मेंटल हेल्थ को भी ठीक रखता है। आप स्ट्रेस, आपको एन्जाइटी है तो वो उससे क्योर करता है, और जिससे आपका अल्टीमेटली सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। फिफ्थ इज़ बी फियरलेस। आप फेलियर से डरो नहीं, जस्ट ट्राई एंड ट्राई। अगर आप ट्राई करेंगे और फेल भी होंगे तो उसके बाद आपको एक नया वे पता चलेगा कि आप इससे अपना गोल अकम्प्लिश नहीं कर सकते हैं। आप बड़े गोल को अकम्प्लिश ट्राई करेंगे तो फिर आप ना कर पाने पर डीमोटिवेटेड हो जाएंगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो डाउन हो जाएगा, इसलिए ट्राई टू डू स्मॉलर टास्क। फिफ्थ इज स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ, डोंट बिलीव इन अदर पर्सन एंड व्हाट द नेगेटिविटी इज कमिंग फ्रॉम देम। जस्ट ट्राई टू थिंक पॉजिटिव एंड गो ऑन अ पॉजिटिव वे। नेक्स्ट इज़ फॉलो थ्रू। जस्ट एग्जीक्यूट योर प्लान्स। प्लान्स बना के बैठने से कुछ नहीं होता है, ट्राई टू कन्वर्ट देम इन टू एक्शंस एंड एग्जीक्यूट देम। एट इज़ थिंक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म को सोचकर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आगे जाकर वो आपको अनसेटिस्फाइड रखता है, सो थिंक ऑफ बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाइन्थ इज़ डू वॉट मेक्स यू हैप्पी। आइदर इट्स राइडिंग बाइक, हाइकिंग और जस्ट सिटिंग ऑन काउच। डू वॉट मेक्स यू हैप्पीनेस पेर टाइम। टेंथ इज डोंट केयर अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक। आप अपने प्लान से स्टिक करिए और अपने ड्रीम्स को चेज करिए। और इधर साइड में आपको 16 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी, जस्ट गो थ्रू इट। नेक्स्ट इज अगर आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत है तो हेयर आर सम वेज विच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। फर्स्ट इज रीडिंग बुक्स। ट्राई रीडिंग बुक्स that will help you to build your self-confidence. Second is join program. काफ़ी program होते हैं जो आपको classes देते हैं और आपको in-depth knowledge देते हैं, जिससे आपका self-confidence increase होगा, personality development में help होगा. Third is start playing a sport. काफ़ी studies में show कि आप sporting activities से जुड़े हुए हैं तो आपको वो help करता है more confidence and high self-esteem में. Fourth is online courses. काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्सेज भी आजकल इंटरनेट पे मिल जाएंगे आपको, जो कि आपको हेल्प करेंगे कॉन्फिडेंस में। फिफ्थ इज लर्न एंड फोकस मोर ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप बेटर कम्युनिकेटर हैं तो आप अल्टीमेटली हायर सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैं। सो नीचे बुक्स के और उनके ऑथर के नाम दिए हैं, यू कैन गो थ्रू इट एंड स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, रिमूव नेगेटिव थिंकिंग, फियर ऑफ फेलियर एंड जस्ट Do what is right. Next is ये एक study है, एक statistic है जिसमें दिया गया है कि gender gap self confidence में कितना है. So you can see
कि अगर एक जॉब में अप्लाई करता है तो वाई डिडंट यू अप्लाइड फॉर दैट जॉब. तो जो जो मेल्स हैं उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल हायर है देन फीमेल्स, एंड वीमेन्स टेंड्स टू बी लेसर सेल्फ कॉन्फिडेंट. दैट्स वाई दे डिडंट अप्लाई, दे डोंट फील कम्प्लीटेड, दे डोंट फील क्वालिफाइड. सो ये स्टडीज़ एक्सप्लेन करती हैं कि फीमेल्स में लोअर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है. सो हमें ट्राई करना चाहिए उनको कॉन्फिडेंस क्लासेस देने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ज्वाइन करने में, सो एवरीबडी कैन बी पार्ट इन दी सोसाइटी एंड वर्क इन्वायरमेंट. नेक्स्ट इज हाउ टू गेट ऑफ समवन फ्रॉम योर माइंड. सो आपने कभी ऐसा फाइंड किया है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं और अब ज़्यादा आपको थॉट्स बी वाइल्ड कर रहे हैं कि किसी ने आपसे कुछ ऐसा कह दिया या आपके साथ कुछ ऐसा ट्रेजेडी हुई है. सो इफ़ यू कांट कंट्रोल योर माइंड समवन एल्स विद, सो हेयर आर सम टेक्निक्स दैट कुड हेल्प यू टू कंट्रोल योर माइंड थॉट्स. फर्स्ट इज हैव सम न्यू एक्सपीरियंसेस, लर्न समथिंग न्यू, गो फॉर सम स्पोर्ट एक्टिविटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट विल हेल्प यू टू हैव सम डाइवर्जन एंड बी इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड. जस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ वॉट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, इट विल हेल्प फॉर सम डाइवर्जन. सेकेंड इज चेंज योर एनवायरमेंट, गो समवेयर न्यू, चेंज योर प्लेस ऑफ लिविंग फॉर सम टाइम, विजिट सम प्लेस, गो फॉर सम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, इट विल हेल्प यू टू गेट समथिंग ऑफ योर माइंड. एंड ऑल्सो यू कैन डू अ मेक ओवर, दैट विल गिव यू अ अदर परस्पेक्टिव ऑफ वॉट यू योर सेल्फ आर एंड इट विल अल्टीमेटली गिव यू सम अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट. थर्ड इज गेट रिड ऑफ डिजिटल सुवीनियर्स, इफ समथिंग इज रिमाइंडिंग यू ऑफ एनी थिंग जस्ट डिलीट इट ऑफ, डिलीट ओल्ड चैट्स पिक्चर्स एंड इट विल हेल्प यू फॉर अ लिटिल डिस्ट्रैक्शन. ग्राउंड योर सेल्फ, जस्ट सिट एट अ प्लेस एंड थिंक वॉट इज ट्रिगरिंग योर थाट्स. आपको किस चीज़ को देख कर या किसी चीज़ को सोच कर अगर वो थाट्स बार बार ऑब्सेशन हो रहा है तो जस्ट ट्राई टू गेट रिड ऑफ देम. फोर्थ इज लर्न हाउ टू बी इन अ मोमेंट. अगर आप फैमिली टाइम में हैं या फिर रिक्रिएशन एक्टिविटी कर रहे हैं तो जस्ट लर्न टू बी इन अ मोमेंट रादर देन थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स. बी प्रेजेंट फिजिकली एंड मेंटली. योर थाट्स आर नॉट जस्ट रियलिटी बट दे आर जस्ट फॉल्स थाट्स. सो ट्राई टू गेट अ ट्रूअर पिक्चर ऑफ एवरीथिंग. नेक्स्ट इज हेयर आर सम टेक्निक्स दैट यू कुड हेल्प एंड द यूट्यूब चैनल लिंक फॉर माइंड कंट्रोल टेक्निक्स. फर्स्ट इज आप नेगेटिव थाट्स को आइडेंटिफाई कीजिए और उनका अपोजिट सोचिए जिससे आपको हेल्प होगा डिस्ट्रैक्शन में. सेकेंड इज अगर कोई चीज़ आपको मिजरी कॉज कर रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो ट्राई वॉट इट इज़ एंडिंग अप इन योर माइंड एंड ट्राई टू डाइवर्ट योर सेल्फ फ्रॉम दी थिंग दैट यू आर थिंकिंग. आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करिए. थर्ड इज स्टॉप जंपिंग टू कंक्लूजन. किसी भी चीज़ को सोचकर कंक्लूजन पे आने से अच्छा आप अपने बेटर जजमेंट्स देखिए, रिव्यू करिए आपने क्या सोचा एंड ट्राई टू स्टॉप वॉट एवर इज़ गोइंग थ्रू योर माइंड एंड अवॉइड कैटेस्ट्रॉफिंग. कैटेस्ट्रॉफिंग रिफर्स टू नेगेटिव थॉट ट्रैप दैट इज़ ब्लोइंग थिंग्स आउट ऑफ द अलाइनमेंट. ओके सो इफ़ यू आर फीलिंग एट समथिंग डोंट थिंक योर लाइफ इज़ रूंड. इट इज़ जस्ट नॉट डिफाइनिंग योर होल लाइफ. सो स्टॉप कैटेस्ट्रॉफिंग, क्रिएट अ प्लान फॉर योर लाइफ, डू समथिंग, मेक सम न्यू गोल्स, लर्न समथिंग न्यू, लर्न सम न्यू सब्जेक्ट. इट विल हेल्प यू टू गेट सम डिस्ट्रैक्शन. क्रिएट ऑब्स्टिकल्स. इफ़ यू आर आप अगर अपने माइंड को वो चीज़ सोचने दे रहे हैं तो फिर ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है. जस्ट ट्राई टू क्रिएट सम ऑब्स्टिकल्स इन योर माइंड तो आपको आपके माइंड को वो चीज़ नहीं मिल पाएगी जो वो चाहती है. ओके एंगेज इन मेडिटेशन. मेडिटेशन ना ही सिर्फ आपको माइंड कंट्रोल थॉट में हेल्प करता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, डिस्ट्रेस एंजाइटी हटाता है. सो जस्ट स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट मेडिटेटिंग. अवॉइड पर्सनलाइजेशन. जो चीज़ आपके कंट्रोल के बाहर है उसके लिए आप ब्लेम लेना बंद करिए एंड डू एंड थिंक पॉजिटिव. गो फॉर प्राइमिंग. आप जो भी हैं अपने थॉट्स आपको दिमाग में आ रहे हैं उनको एडजस्ट करके अपनी लाइफ को लिव करना स्टार्ट करिए.
Next is, so he the mind control thoughts are the larger part. The smaller part of how to get someone off your mind is controlling the emotions. सो आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिए, उनको लेबल करिए कि क्या एंगर है, क्या लोनलीनेस है, क्या आपको एंजाइटी दे रहा है. सो स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एंड लेबलिंग देम. एक्सेप्ट योर इमोशंस, क्योंकि कई बार आपको पॉजिटिव वे में भी हेल्प करता है आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स. ओके, सो आपको ये भी सोचना है कि जो आपके इमोशंस हैं वो आपके परमानेंट थॉट नहीं हैं. सो ट्राई टू गेट एक्लिमेटाइज्ड टू इट एंड जस्ट थिंक दैट दे आर नॉट परमानेंट एंड इंक्वायर एंड इन्वेस्टिगेट कि आपको वो इमोशनल प्रॉब्लम किस चीज़ की वजह से आ रही है. सो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम. ओके, सेल्फ मैनेजमेंट, मैनेज योर बिहेवियर एंड इमोशंस टू अचीव योर गोल्स. सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशन को रिकग्नाइज करिए एंड उनको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिए. सेल्फ अवेयरनेस रखिए. अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर पीपल्स इमोशन ऑल्सो हेल्प यू टू कंट्रोल योर इमोशन प्रॉब्लम. आप रिलेशनशिप बिल्ड करिए जिससे आपको हेल्प होगी एक बेटर स्टेट ऑफ माइंड में रहने की. एंड रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, अगर आप इमोशनली वेल हैं तो आप एथिकल डिसीजन ले सकते हैं और आपका पर्सनल और सोशल बिहेवियर इम्प्रूव होगा. सो जस्ट ट्राई टू हैव सम कंट्रोल ऑन योर माइंड प्लस इमोशंस. हेयर आर सम लिंक फॉर इमोशन मैनेजमेंट प्रोग्राम. ओके, सो इफ यू नीड समथिंग एल्स, सम फेमस पर्सनैलिटीज हु हैव लाइक गुड अप्रोच टूवर्ड्स बिल्डिंग पर्सनल डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो हेयर आर सम यूट्यूब लिंक एंड वेबसाइट लिंक, यू कैन गो थ्रू इट. Thank you for watching and stay safe.